सो व्यूवर्स, आज जो है ना अपने घर आए थे तो बड़ा बड़ा यानी सफर हुई पड़ी है, देख सकते हैं आप। और थोड़ा थोड़ा यानी कि ये अभी जो है ना जब सूखेगा तब क्या करना, इसको आग लगाएंगे। तो ये जो है ना फ्री पड़ा हुआ है, जंग वगैरह भी लगा हुआ है, ये आप सामने देख सकते हैं। तो मौसम काफ़ी अच्छा है, बहुत ही प्यारा है वेदर। और ये देखें आप सामने, तो अभी जो है ना गर्मी थोड़ी बहुत है और नॉर्मल वेदर है, अंदर से चेक नहीं कर रहे। और ये देखें, ये सामने बहुत बड़ा हुआ पड़ा है जिसे द्रब्भा बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में। तो अभी जो है ना उधर भी जाते हैं और आपको दिखाते हैं। टीलों पे नहीं जा सकते क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, ये आप देख सकते हैं सामने। शायद उधर भी पानी लगा हुआ है जहाँ पे हम पहले रहते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम सब भी ठीक हैं। तो इसी ने एक दुआ के साथ आज की वीडियो का करते हैं जी आगाज़। तो ये आप देख सकते हैं विलेज आए हुए हैं हम, तो आज फैमिली भी साथ है मेरे। और यहाँ पर जो है ना थोड़ा यहाँ पे काश्त हुआ पड़ा है, बाजरा मेरे ख्याल में काश्त हुआ पड़ा है साथ वाले एरिया में। और ये क्या कहते हैं उसे, तूड़ी वगैरह भी पड़ी है साथ में, क्या कहते हैं उसे, कपास वगैरह, वो भी यानी कि जिनकी है उन्होंने काश्त की हुई है। तो ये सारा निज़ाम जो है वो चल रहा है। और घर भी ठीक है, अंदर थोड़ा बहुत यानी कि उसमें घास वगैरह हुआ पड़ा है, वो घास जो है ना स्प्रे वगैरह कर दी है। तो अब जो है ना क्या होगा कि वो जैसे ही ख़त्म होता है घास सूखता है, तो जैसे ही सूखेगा तो उसको जो है ना वो आग लगा दिया जाएगा। आग लगा के ना फिर जो है ना हर चीज़ अपने मयार के मुताबिक यानी कि हो जाएगी, सफाई हो जाएगी। जब बंदा रह ना रहा ना तो तब ऐसा यानी कि होता है। ये सामने आप देख सकते हैं ईंटें पड़ी हुई हैं, इन ईंटों का कुछ करेंगे इंशाल्लाह, शायद हो सकता है उठा के किसी को दे दें या फिर जो मतलब कि परचेज़ करना चाहेगा उसे दे देंगे। ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, जो पैसे देगा उसे दे देंगे। तो बाकी निज़ाम जो है वो ठीक है। तो कह रहे थे कि आप विलेज कब जाओगे, विलेज आया हूँ मैं, आपको दिखा भी दिया है कि क्या क्या जो है ना वो हो रहा है यहाँ पर। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, अभी चलते हैं और जाएंगे, रास्ते में कुछ खाएंगे भी सही, क्योंकि आपको पता है सुबह से यानी कि हम ऐसे आए हुए हैं, इधर भी चाय पी है, घर भी चाय पी थी। तो ये मौसम सही होता है, मतलब कि जो दूसरा मौसम होता है ना उसके मुकाबले में सही है ये मौसम जो है ना। इस वक्त कौन सा मेरे ख्याल में महीना जो है ना बादों के बाद चल रहा है, कोई कौन सा पता नहीं, मुझे मौसम यानी कि पूरे नाम नहीं आते जो होते हैं। बादों जो है ना वो तो होता है हबस वाला, उसके बाद जो है ना हबस मेरे ख्याल में होती है तकरीबन, कोई मुझे कैमरा मैन बताने की कोशिश कर रहा है अपनी आंखों से लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि कौन सा महीना है। तो वैसे वो मंगेर तो होती है लेकिन और कौन सा होता है बादों के बाद, शायद अस्सू। हाँ, उन्होंने बता दिया मुझे कि अस्सू का जो है ना महीना चल रहा है, यानी जब हमारे बुज़ुर्ग वगैरह बताते हैं कि जैसे ही अस्सू शुरू होता है ना तब जो है ना आपके पास ऐसा समझ लें कि सर्दी ने जो है ना अपनी नवीद सुना दी है, सर्दी जो है वो आना स्टार्ट हो जाती है। तो ये सीन है। उसके बाद ये सामने देखें तो काफ़ी अच्छा नज़ारा है, ये आप देखें इन्होंने जवार काश्त की हुई है, थोड़ा करीब से अगर इसको जूम करके दिखाएं तो जवार काश्त की हुई है उन्होंने। बाकी हमारे हमारा जो घर था ना वहाँ पे थोड़ा सा उसके ऊपर एक यानी कि एक जो साइड है वो रह गई थी, उसे जो है ना वो करवाया था, प्लास्टर वगैरह नहीं करवाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह से हम सब भी ठीक हैं। तो एक सीधे एक दुआ के साथ आज की वीडियो करते हैं जी आगाज। तो व्यूवर्स, काफ़ी अर्से बाद मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ और माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी सेहत के साथ दिखाई दे रहा हूँ। तो एक डॉक्टर को चेक करवाया था मैंने, इधर ही है वो, उन्होंने मतलब कि स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने अच्छी टैबलेट्स रिकमेंड की हैं
जिस वजह से जो है ना मेरा मेरी यानी एलर्जी मुझे आज 5 दिन हो गए हैं, 4 दिन में मतलब मेरी एलर्जी जो है वो ठीक हो गई है और अल्हम्दुलिल्लाह से आज जो है ना आपके सामने मौजूद हूँ तो काफ़ी यानी कि अच्छा फील कर रहा हूँ और बुखार वगैरह भी उतर गया है और बिल्कुल ठीक यानी कि बैठा हूँ। चेहरा भी आपके सामने होगा थोड़ा मतलब कि खिलखिला दिखाई दे रहा होगा क्योंकि बुखार के बाद जो है ना वो हो जाता है इंसान के कुछ गुनाह जो है वो धुल जाते हैं, तो बस अल्लाह माफ़ करे। तो अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है कि मैं ठीक हो गया हूँ और अब जो है ना इंशाल्लाह से वीडियोस बनाएंगे। और गिलेट गया था मैं ये कोई 2-3 दिन पहले, वो क्लिप पड़ा होगा पहले वो हम क्लिप लगा देंगे। तो वहाँ पर ना हम गए थे स्प्रे वगैरह करवानी थी या मतलब खुद करनी थी, टैंकी मौजूद नहीं थी, अबू जान की पुरानी टैंकी थी वो इधर ही थी इसी घर में मौजूद है, वो टूटी हुई है, उसको नट वगैरह मैंने मतलब के लगवा लिए हैं, अभी लगवाने हैं कुछ उसकी यानी सेटिंग वगैरह करनी है, करने के बाद जो है ना वो स्प्रे वगैरह उधर करनी है ताकि घास जो है वो ख़त्म हो सके और बाकी उसको सफाई वगैरह उसकी करनी है। तो कंटिन्यू कर रहे हैं फीसेज वगैरह भी, उसका भी पार्ट लास्ट पार्ट चल रहा है अभी, तो इंशाल्लाह से सारा कुछ ठीक हो जाएगा, सिमट जाएगा। तो बाकी जो है ना बाकी बस यही थी कि मतलब यही परेशानी थी कि जल्द से जल्द जो है ना एलर्जी ख़त्म हो जाए। तो आप लोगों ने भी काफ़ी चीज़ें जो है ना वो मुझे रिकमेंड की है, तो एक ने कहा है, एक भाई जानते थे अली सईद है कौन है, उन्होंने कहा अली सईद भाई है, वो कह रहे थे कि भाई आप ना ये क्या करो कि ये टैबलेट जो है ना इसे खाते रहा करो। तो नीचे जो है ना छिपकली आई हुई है और हमारा कैमरा मैन थोड़ा इधर 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 होने की सोच रहा है क्योंकि छिपकली से उसे डर लगता है, तो इधर भी छिपकलियाँ हैं थोड़ी बहुत लगी इतनी नहीं है। तो मैं बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि भाई आप ना ये यूज़ किया करो, कुछ होती है टैबलेट्स बताई थी पता नहीं कोई नुस्खा उन्होंने बताया था, तो वो मतलब कि आपको जब हो तो आपने वो तब यूज़ कर लेना है। लेकिन मैं ना अब यूज़ नहीं करता क्योंकि मैंने अब इतने दिन टैबलेट्स खाई है ना, मेरा मतलब कि मसाने वगैरह मसाना जो होता है उसमें गर्मी हो गई है, इस वजह से मैंने टैबलेट्स छोड़ दी है। आप जो है ना कुछ भी नहीं खाना, पानी यूज़ कर रहा हूँ और थोड़ी हल्की गिजाएँ यूज़ कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह से अब पसीना भी मुझे काफ़ी आ रहा है। तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, हाँ गर्मी बहुत ज्यादा, गर्मी सितंबर में जो है ना इतनी गर्मी है, एंड बल्कि सितंबर का होगा फिर भी गर्मी खत्म नहीं है, शुरुआत होने वाली है। तो हम जब हम यहाँ आए थे ना तो यानी कि कितना अभी हमें 15 अक्टूबर को आए थे, नहीं नहीं लगभग यही 8 अक्टूबर को मैंने यानी इसका रेंट पे किया था और 12-13 अक्टूबर को हमने यहाँ पे जो है ना वो लगाई थी सामान वगैरह। 1 साल हमें तकरीबन कंप्लीट होने वाला है यहाँ पे इसी जगह पे इसी मकान में, तो काफी ज्यादा परेशानियाँ मुश्किल तो वैसे भी जिंदगी के साथ ही हैं, कभी पानी नहीं होता, आज लेट पे सुबह चली गई थी पूरे 4-5 घंटे, लेकिन देखा जाए ना काफी फिलहाल मतलब की काफी हद तक बेहतर भी है क्योंकि यहाँ पे चीजें वगैरह जल्दी मिल जाती है, वहाँ देहात में आने जाने का मसला, फिर बारिश आ जाए तो फिर रास्ते का प्रॉब्लम। आपको पता है कि अंकल और मैंने कितनी मुश्किल की जिंदगी गुजारी, वहाँ रेत के टीलों में बिल्कुल भी रास्ता नहीं था, हमने जैसे तैसे करके ना वो जिंदगी बहुत ज्यादा यानी कि मुश्किल थी। अभी जब मैं गया था उधर तो विलेज गया था तो उनके पास लकड़ियाँ मौजूद नहीं थी, तो यकीन करे हमारे खुद के दरख्त थे, मैंने उन्हें नीचे से कटवा दिया थोड़ा सा, तो हमारे खुद के दरख्त थे वो कटवाते थे और उसके अलावा लकड़ियाँ वगैरह हम यूज करते थे, और उसके अलावा जो है ना हम जो ये कपास की लकड़ियाँ होती थी हमारे खुद की नहीं होती थी, हम यानी मूल जो है ना कटवा के रखवा देते थे और यूज करते थे क्योंकि कपास पाकिस्तान में अब ना होने के बराबर है, अब धीरे धीरे खत्म हो रही है क्योंकि आजकल ऐसी कुछ चीजें ऐसी वायरस आई हुई है जो है ना यानी कि कपास को एक गुलाबी सुंडी आई थी उसने कपास को मुकम्मल तौर पर तबाह करके रख दिया है, और ऊपर से गर्मी भी तो ज्यादा है ना बहुत ज्यादा यानी कि हीट चल रही है, तो जमीन भी तो साफ जा रहा है, गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकती, जो भी चीज उगाते हैं ना वो अगर धुआं ऊपर से निकले ना उसका तो वो सब जो है खत्म हो जाती है, क्योंकि गंदम तो हम सर्दियों में काट करते हैं ना, तो जो दूसरी हम यानी कि फसलें जो उगाते हैं वो गर्मियों में होती हैं, तो पानी पूरा हम कर नहीं सकते, तो इसी वजह होती है कि कुछ हो नहीं पा रहा वो, तो इसलिए पाकिस्तान में बहुत ज्यादा गुर्बत जो है वो चल रही है। तो बेशक आप लोगों की दुआओं का बेहद शुक्रिया, अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं एक अच्छी वीडियो में। आखिर में आप सबके लिए यही दुआ है कि आप जहाँ रहे खुश रहे, बाद में हमेशा सब्सक्राइब रहे, बिल्कुल पूर्व की तरह, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।